बिग बॉस सीजन 18 में ये रिश्ता क्या कहलाता है शो से निकाले गए इस एक्टर ने मारी एंट्री। शो के प्रोमो में ही राजन शाही पर साध दिया निशाना। ये रिश्ता का लेंगे बदला तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है शो के पुराने अरमान यानी कि शहजादा धामी की एंट्री अब हो रही है बिग बॉस सीजन 18 में। दरअसल मैं आपको बता दूँ ये बात हमने बहुत पहले ही आपको बताया था कि सलमान खान के बिग बॉस के सीजन में जाने वाले हैं शहजादा धामी और अब शहजादा धामी का प्रोमो भी सामने आ चुका है और ये प्रोमो एडमिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि प्रोमो में ही साफ कर दिया गया है कि किस तरीके से उनको ह्यूमिलेट किया गया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो के मेकर्स द्वारा, मेकर्स ने किस तरीके से उन्हें बॉयकॉट करके शो से निकाला था। रातों रात अगर एक्टर को शो से बाहर निकाल दिया जाए विदाउट एन नोटिस और विदाउट एन वार्निंग तो जाहिर सी बात है क्या उन पर बीतती है। इस सारी चीज़ों को बताने के लिए बिग बॉस के घर में आ चुके हैं शहजादा धामी। शहजादा धामी को लेकर फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सोशल मीडिया पर तो कुछ लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया है कि अब राजन शाही और ये रिश्ता क्या कहलाता है शो के मेकर्स की पोल खुलेगी सबके सामने जो अब तक शहजादा छिपा कर रखे थे। शहजादा धामी वो एक्टर हैं जिन्होंने शो से निकलने के बाद एक भी बयान, एक भी नेगेटिव बयान, यहाँ तक कि पॉजिटिव बयान भी राजन शाही के खिलाफ नहीं दिया है। और राजन शाही ने बहुत सारे आरोप लगाए थे चाहे वो प्रतीक्षा के ऊपर हो या फिर शहजादा धामी के ऊपर, दोनों पे ही बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे जिसको जवाब देने आ चुके हैं बिग बॉस सीजन 18 में शहजादा धामी। और प्रोमो में ही ये बात क्लियर कर दिया गया है कि शो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें रिवील करने वाले हैं जो ये रिश्ता क्या कहलाता है शो के मेकर्स को एक्सपोज करने वाले हैं बिग बॉस के घर में। वेल आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या आप भी शहजादा धामी के इस एक्सपोजर को देखना चाहते हो कि क्या हुआ था आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में, किस वजह से उनको निकाला गया था, क्या ये शहजादा धामी का एक अच्छा डिसीजन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।